तो फाइनली जी नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सीएस ज्ञान। दोस्तों आपका भाई आज की इस वीडियो में आपको बताएगा कि किस प्रकार से आप किसी भी सॉफ्टवेयर किसी भी एप्लीकेशन को आप जो है अनइंस्टॉल कर सकते हो, चाहे आप मैकबुक में हो, लैपटॉप में हो या कंप्यूटर में हो। दोस्तों आपका भाई यहाँ पर बैठा है आपको सोल्यूशन देने के लिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सिंपली से यार हम प्रोसेस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यार आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को चाहिए रहेगा ना, उसको अच्छे से देख लीजिएगा कि हाँ वाकई में हमें इस जो सॉफ्टवेयर है उसको चाहिए ना करके, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको कंट्रोल पैनल पर आ जाना है। कंट्रोल पैनल वाले ऑप्शन पर आने के बाद दोस्तों आपको इसको पूरी तरह से बड़ा कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रोग्राम आएगा, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार अगर नहीं मिलने पर आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज में आइकन करके दबा दीजिएगा। यहाँ पर लार्ज साइज में भी आता है और दोस्तों स्मॉल साइज में भी आता है, बट आप यहाँ पर जाइएगा सॉल्ट बाय में और कैटेगरी को आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर आने के बाद यार आपको अनइंस्टॉल प्रोग्राम पर क्लिक करना है। दोस्तों अनइंस्टॉल प्रोग्राम पर क्लिक करने के बाद यार आपको क्या करना है, आपको वहां पर नीचे की ओर आना है और उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर जो सॉफ्टवेयर चाहिए ना उसको दोस्तों यहां पर आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। दोस्तों सेलेक्ट करना है मतलब आपको यहां पर देखना है कि मुझे जो है कौन से सॉफ्टवेयर को यहां पर अनइंस्टॉल करना है। तो सिंपली से यार मुझे जो है फिगमोरा 9 है उसको अनइंस्टॉल करना है। तो दोस्तों इसको आपको क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, उसके बाद अनइंस्टॉल पर प्रेस कर देना है। दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का पॉपअप सामने की ओर आ जाएगा। पॉपअप सामने की ओर आने के बाद यार आपके सामने यहां पर आपको एक बार कंफर्मेशन पूछेगा। तो उस कंडीशन में यार आपको जो है यहां पर यस को क्लिक कर देना है, ठीक है। यस को जैसे आप क्लिक करोगे यार आपके सामने फिर से एक नया पेज सामने आएगा, ठीक है। क्या आप इसको वाकई में रिमूव करना चाहते हो अपने कंप्यूटर से? हाँ, तो दोस्तों इसको आप यस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो सिंपली से आपके सामने यहाँ पर फिर से नेक्स्ट वगैरह आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर हो गया यार, क्योंकि यार देखो लाइटिंग का इफेक्ट रहता है तो इसलिए, लेकिन दोस्तों आपके कंडीशन में यार डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों हम यहाँ पर बैग आते हैं और यहाँ पर इसको हम नीचे करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अनइंस्टॉल प्रोग्राम स्टेटस यहाँ पर हो रहा है। तो सिंपली से यार इस प्रकार से डू यू वॉन्ट टू रिमूव ऑल द इफेक्ट सोर्सेस फाइल, तो इसको आप यस पर क्लिक कर दीजिएगा और दोस्तों आप एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। और तो इस प्रकार दोस्तों हमने जो है फिल्मोरा सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से अनइंस्टॉल कर दिया। हमने इस वीडियो में जाना कि पूरी तरह से किसी भी सॉफ्टवेयर को सक्सेसफुली तरीके से किस प्रकार से रिमूव करते हैं उसको। वीडियो और जानकारी बेहतरीन लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका भाई यहाँ पर बैठा है आपको जानकारी प्रोवाइड करने के लिए। मिलते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ अगले वीडियो पर।